22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज से अनुष्ठान शुरू हो चुका है। देखा जाए तो आज से लेकर 21 जनवरी तक अनुष्ठान चलेगा और जो मुख्य अनुष्ठान होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे वो अनुष्ठान 22 जनवरी को होगा। लेकिन देखा जाए तो जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है इस पर सियासत भी तेज हो रही है। तमाम राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं वो इस पर सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। वैसे में इस सियासी बयानबाजी को लेकर लोग क्या सोचते हैं, इस वक्त मैं अयोध्या में हूं, अयोध्या के लता चौक पर हूं और तमाम यहां के जो लोग हैं, साधु संत हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि जब राम और अयोध्या पर राजनीति होती है तो उन्हें कैसा लगता है, लोग क्या सोचते हैं। आपका क्या नाम है? जय मिश्रा से, हम अयोध्या जी से। अच्छा, अयोध्या से ही हैं। पहला कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, भगवान प्रभु श्री राम जन्म भूमि की प्राण प्रतिष्ठा का कलश आज कलश यात्रा है जिसमें सरयू जी का जल को भर करके और गंगा को साक्षी मान के कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन ये बताइए कि जब इस पर सियासत होती है, चूंकि देखा जाए तो तमाम बयानबाजी आप सुन रही होंगी, पहले प्राण प्रतिष्ठा में आने को लेकर तमाम लोगों ने मना कर दिया और अब कोई बोल रहा है कि जहां पर ढांचा विध्वंस हुआ था वहां मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है, शिवसेना के एक नेता है उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है, तो जब ऐसी बातें आप लोग सुनती हैं तो कैसा लगता है? जी, ये बिल्कुल गलत है। जहाँ पर प्रभु का प्रागट हुआ था, जो त्रेता की बात है कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, जहाँ पर प्रभु का जन्म हुआ था, उत्तर दिश बही सरयू पावन, यही प्रमाण है कि धनुष के आकार में सरयू जी बह रही हैं। प्रभु श्री राम जी से किसी ने पूछा कि अयोध्या से पावन और लुभावन क्यों है, तो पावन इसलिए कि प्रभु की जन्मभूमि, लुभावन इसलिए क्योंकि सरयू बहती है। जो गर्भगृह है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जहाँ पर प्रभु प्रकट हुए थे गर्भगृह में, जहाँ कभी किसी के राज्य में समय में और उसके उसमें बनाया गया था बाबर का जिसे तोड़ करके, जो कि हमारे प्रभु का मूलांकन जो मूल है, गर्भगृह है, जो सनातन का नींव है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। देखिए, सत्य परेशान होता, पराजित नहीं होता। आज गौरव की बात है, हमें गर्व हो रहा है कि आज प्रभु के गर्भगृह में भगवान प्रतिष्ठित हो रहे हैं, जो कि शिलान्यास के लिए नेपाल की गंडकी नदी से शालिग्राम स्वरूप में ऐसी बात है कि करोड़ों जो राम भक्त हैं उनके लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका नहीं हो सकता कि जो सपना, जो संघर्ष किया था उन लोगों ने, वो संघर्ष पूरा हुआ, वो सपना पूरा हो रहा है। लेकिन अगर बात करें जिस तरीके से इस पर सियासी बयानबाजी हो रही है और आप लोग लगातार देखते होंगे, अयोध्या वासी होने के नाते क्या सोचते हैं इस सियासत को लेकर? देखिए, अयोध्या का नर नारी, और हम तो कहेंगे कि अयोध्या ही नहीं, अटक से लेकर कटक तक, जम्मू से लेकर कश्मीर तक, पूरा देश आनंदित है। विशेषकर हिंदू समाज गौरव की अनुभूति कर रहा है और जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं उनको, चूंकि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में दल तंत्र है, दल तंत्र में भी गिरोह लोग चला रहे हैं, तो उनको भारत की जनता उचित समय पर जवाब देगी। जाके प्रिय न राम वैदेही तजौ कोट बैरी सम यद्य परम स्नेही, जो राम का विरोधी है जनता उसे कतई माफ नहीं करेगी। अभी एक बयान आया है एक नेता के हवाले से, उन्होंने कहा कि जहां पर ढांचा ध्वस्त किया गया था, मंदिर का निर्माण वहां नहीं हो रहा है, वहां से 3 किलोमीटर दूर मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे तथ्य जब दिए जाते हैं किसी ये गलत मैसेज है। सुनिए, भगवान के गर्भगृह में ही हो रहा है और हमारी अयोध्या स्वर्ग से भी सुंदर सज चुकी है और ये हिंदू सनातन धर्म की जीत हुई है। सत्य परेशान होता, पराजित नहीं होता। यदा यदा है धर्मस्य धर्मो रक्षति रचिता। उत्तर प्रदेश की सरकार के सानिध्य में माननीय भारत की सुश्री प्रधानमंत्री, पूरे सनातन धर्म के भाई बहन जितने भी हैं सबको बधाई है। गलत मैसेज में ना जाए, अफवाहों में, और भगवान का उद्घाटन का कुछ ही पहले 22 जनवरी हो रहा है और आज से प्रारंभ हो चुका है। गर्व की बात एक बार जयकारा लगना चाहिए। जय जय श्री राम। वो ये लोग वो हैं जिन लोगों ने राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई थी, ये लोग वो विरोध कर रहे हैं जिन लोगों ने राम रथ को रोकने का काम किया था, ये लोग वो हैं जो राम मंदिर को कैसे बंद करके रखा जाए वो लोग आज विरोध तो करेंगे, उनको तो मिर्ची लग रही है। जब आज समस्या ये है कि पूरा विश्व की नज़र आज अयोध्या के ऊपर टिकी हुई है। एक बात याद रखिएगा, 22 जनवरी को भले उनका तन अयोध्या आए ना आए, 22 जनवरी का मन पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का अयोध्या रामलला के ऊपर लगी रहेगी। तो लोगों को तो लग रहा है ना कि जो आगे हैं लोग उनका उनके तरफ झुक रहे हैं, तो ये राम मंदिर का विरोध करके, राम लला के निमंत्रण को स्वीकार करके करोड़ों हिंदुओं के नज़रों से गिरने का काम लोग कर रहे हैं। आज तो बस हम अयोध्यावासी एक ही चीज़ करना कहना चाहेंगे कि बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग अयोवस देखी हही देखन जोगु। अरे भाई, आज अपने खुली नेत्रों से रामलला का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। आज विरोध करने का मौका नहीं है, आज राम के चरणों में झुकने का मौका है। आप कहाँ, अयोध्या के रहने वाले हैं?
बिहार के रहने वाले। बिहार के रहने वाले, देखिए यहाँ पर तो राम भक्तों का सपना पूरा हो गया अयोध्या में, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी लड़ाई शुरू हो गई है। पूरा मामला कोर्ट में है और आज हिंदू पक्ष को झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था कि जो बनारस का जो परिसर है, जैसे वहाँ पर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, तो जो कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ भी कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की जाए। लेकिन चूंकि मुस्लिम पक्ष ने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है हाई कोर्ट के आदेश पर, जिससे कि हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए समय के हिसाब से सब बदलता चलेगा। ऐसे ही बहुत सारे व्यवधान और व्यवस्था यहाँ भी आया हुआ था। राम जन्मभूमि आज जो हमारा है कितने वर्षों से लटका हुआ था, कभी जज बदल जाते थे, कभी जो वकील नहीं लड़ते थे, उसी तरह आज वहाँ बदल गए हैं। फिर आने वाला समय में 5 साल बाद फिर वहाँ देखिएगा वही कोर्ट आदेश देगा। आने वाला भगवान के काम में देर हो सकता है, विलम्ब हो सकता है, अंधेर नहीं है। यानी आज न कल कृष्ण जन्मभूमि भी हमारा सपना है और वो पूरा होकर रहेगा। क्यों महाराज, आपको भी लगता है आप लोगों ने लड़ाई लड़ी राम जन्मभूमि के लिए, अब आप लोग झंडा उठा रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि के लिए, तो लगता है कि आप लोगों का सपना साकार होगा? 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा हो जाने दीजिए। ओ हम लोग ऐसा अनुष्ठान कर रहे हैं कि मेरे राम तो आराध है ही, मेरे भोलेनाथ भी आराध है, कृष्ण भी आराध है, ज्ञान व्यापी भी लेकर के रहूंगा और मथुरा भी, कृष्ण जन्मभूमि भी लेकर के रहूंगा। कोई माई का लार रोक नहीं सकता है। ये मेरी आस्था का विषय है, मेरे आस्था का आधार है। जहाँ जहाँ मेरे राम का चिन्ह दिखेगा, जहाँ जहाँ मेरे कृष्ण का चिन्ह दिखेगा, वहाँ वहाँ मेरा अधिकार है। और जो आगरा में तेजु महल है, ये तेज महल नहीं है, तेजु महल है शंकर का, वहाँ की भी अगर खोदा जाए, सर्वे का मांग हो जाए, तो वहाँ पे भी शिव जी का प्रमाणित चिन्ह दिखेगा। जैसे ज्ञान व्यापी में नंदी, त्रिशूल, श्लोक, ये बड़ा हमारे जैसे राम जन्मभूमि का हिंदू पक्ष निकला था, इसे वहाँ भी निकलेगा, देख लीजिएगा जी। आप लोग बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ राम और कृष्ण का चिन्ह निकलेगा उसे आप लोग लेकर रहेंगे, लेकिन इसी भारत में तमाम ऐसे नेता हैं जो उन चिन्हों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मंदिर बन रहा है, आज ही का बयान आपको बता दूं कि एक शिवसेना के नेता है, उनका बयान आया है कि जहां पर ढांचा विध्वंस हुआ था मंदिर वहां नहीं बन रहा है, बल्कि वहां से 3 किलोमीटर दूर मंदिर बनाया जा रहा है। उनकी मानसिकता खराब हो चुकी है। वो ढांचा नहीं था, जब बाबर का राज आया था तो बाबर ने एक ढांचा लगा दिया था केवल मात, मंदिर तो पहले भी था। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कार सेवक, हमारे भक्तगण दौड़ते चले और उस ढांचा को गिराए। बाबर तो आज का पैदा है, मगर राम जी हमारे प्रगट है, वो परमात्मा है। और मैं कहना चाहता हूं ऐसी मानसिकता के उल्टा सीधा बयान देने वालों पर रोक लगाना चाहिए। ये भड़काव बयान इसलिए दे रहे हैं कि राजनीति को लेकर के समाज को तोड़ने का, चाहे ओबीसी हो, चाहे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे सहयोगी उदयनिधि हो, ये संस्कृति सनातन धर्म के विरोधी है, संस्कृति सनातन धर्म के विरोधी है। ऐसे लोगों को जब साधु दुर्वासा और परशुराम रूप धारण कर लेगा तो स्वयं दंड देने लगेगा। उस सवाल का जवाब भी दे दीजिए जिसमें उन्होंने कहा है कि मंदिर का निर्माण उस ढांचे के ऊपर नहीं हो रहा है, 3 किलोमीटर दूर हो रहा है। आप तो अयोध्या के रहने वाले, यहाँ के साधु हैं, आपको तो पता होगा कि सच्चाई क्या है। मैं यही कहना चाहता हूँ, उनकी पूरी मानसिकता ठीक नहीं है। और ये भगवान श्री राम का मंदिर जो है, तो जहाँ मेरे प्रभु राम लला सरकार का प्राचीन मंदिर था, वही में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। किसी ढांचा जहाँ गिरा था वहाँ नहीं हो रहा है। उनकी मानसिकता खराब है। वो आए हमसे शिक्षा लेने, ये जितेंद्र वार्ड है, वो बोलता है कि हमारे राम जी मांस खाते थे, उसकी मानसिकता खराब है। राम जी वनवास में रह करके कंदमूल फल खाते थे। ऐसे नेताओं को मैं यही कहना चाहता हूँ, तुम राम विरोधी मत बनो, तुम राम विरोधी मत बनो। तुम अगर राम विरोधी बनोगे तो जैसे भगवान श्री राम ने समुद्र को 3 दिन तक विनय किए थे और जब नहीं माना तो धनुष लेकर के तैयार हो गए। और जिस दिन हम साधु संत एक हाथों में माला है, एक हाथों में शस्त्र है, अगर तुम नहीं मानोगे तो शस्त्र के आधार से तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। कुछ बोलना चाह रहे थे आप? देखिए शिवसेना पहले भारतीय जनता पार्टी से इत्तेफाक रखती थी और जब माननीय बाला साहब ठाकरे थे तो उन्होंने मंदिर में, मंदिर आंदोलन में उनका योगदान था और जो संघर्ष हुआ उसमें शिवसेना का भी योगदान था। लेकिन चूंकि शिवसेना पथभ्रष्ट हो गई, अपने एजेंडे से हट गई, अपने मुद्दे से हट गई, इसीलिए शिवसेना के ज़्यादातर विधायकों ने
अलग पार्टी बनाकर आज राम मंदिर के पक्ष में है। चूंकि संजय राउत अकेले पड़ चुके हैं, ना उनका जो एक प्रदेश में उनका सरकार थी, अब ना वो सरकार में है, ना उनका कोई प्रभाव है। फर्जी रूप से मीडिया में चर्चा में बने रहने के लिए अनर्गल प्रलाप वो करते रहते हैं। देखा जाए तो मंदिर निर्माण को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब ये लगा था कि हो सकता है कि आने वाले समय में अयोध्या और राम मंदिर पर राजनीति बंद हो जाएगी। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले जिस तरीके से सियासत शुरू हुई है, वैसे में यही लग रहा है कि ये अभी सियासत आने वाले समय में भी चलने वाली है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब 6 दिन है शेष और बढ़ रहा है राजनीति का क्लेश। बीजेपी को क्या मिलेगा राम का आशीर्वाद, तो विपक्ष कर रहा है सियासी पलटवार। हम हैं बनारस में और अब काशी मथुरा को लेकर के भी सियासत काफ़ी तेज हो गई है। बात करते हैं कुछ लोगों से और उनसे जानते हैं कि क्या सोचते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 6 दिन बाकी हैं, तो सियासी इस समय हलचल भी तेज हो गई है। विपक्ष लगातार इसको लेकर के वोट बैंक की राजनीति बता रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राजनीति तो राजनीति करने वाले करेंगे ही, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, दोनों का असली धर्म तो राजनीति करना है। तो राम मंदिर का यह कार्यक्रम भी एक प्रकार से राजनीति ही करने के लिए चल रहा है। इस समय जो चल रहा है राजनीति ही हो रही है, क्योंकि एक तरफ हमारे शंकराचार्य हैं चार, जो कि कह रहे हैं धर्म शास्त्र के अनुकूल ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि राजनीति करनी है, चुनाव समय पर होना है और समय चुनाव 2 महीने के बाद चुनाव है, तो उस पर राम के नाम पर जो है वोट मांगने की मानसिकता तो है ही है। रही विपक्ष का काम, तो वो अपनी राजनीति कर रहा है, उनको इनके जो इनकी जो मानसिकता है उसको लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। तो दोनों लोग राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष भी राजनीति कर रहा है, सत्ता पक्ष भी राजनीति कर रहा है। और रही बात जो है आस्था का, तो आस्था तो भाई राम के प्रति सबकी है संपूर्ण, लेकिन रही बात कि राम को जिस रूप में यहाँ पर दिखाया जा रहा है, किया जा रहा है, और राम वो ऐसे राम तो रहे नहीं, राम तो अखल ब्रह्मांड के जो है मालिक हैं और सबके हैं और सब में व्याप्त हैं। अगर हम अपने अद्वैत दर्शन को देखें तो, या तुलसीदास जी की बात को माने, तो घट घट में राम है। राम को किसी चारद्वारी में कैद तो नहीं किया जा सकता है। और रही बात धार्मिक मान्यता, शास्त्रों की मान्यता, तो उसके लिए हमारे सनातन धर्म के चार जो पीठ हैं शंकराचार्य, उन्हीं की बातों को आज भी शिरोधार्य किया अब तक हमारा समाज। लेकिन अब चूंकि राजनैतिक व्यक्ति है, राजनीतिक सत्ता जो है वो अपने को धर्म से ऊपर भी पिठा दी, ईश्वर से ऊपर अपने को मानने लगी है। वो जो चाहे वही धर्म है और जो न चाहे वो धर्म नहीं है, इस तरह की व्याख्या हो रही है। अपने अपने तरीके से लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सब ठीक नहीं हो रहा है, ये हमारे सनातन धर्म का ही नुकसान हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सियासत हो रही है और वहीं बीजेपी कह रही है कि राम का आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए, आपको बता दें, कौन विपक्ष? किसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम सीता वास्तविक पात्र ही नहीं है? जिसने 24 वकील खड़ा किया कि राम का मंदिर न बने, वह विपक्ष जिसने राम भक्तों के लहू से गलियों सरयू की धरती को लाल कर दिया, वह विपक्ष जिसने शंकराचार्य को दिवाली वाले दिन गिरफ्तार कर लिया तो भाजपा ने लड़ाई लड़ा, वह विपक्ष जिसने गोदौलिया पर गधों की तरह मारा एक शंकराचार्य को, वह विपक्ष? मेरा एक कहना है, ये दानव लोग हैं, एक तरफ देवता हैं, दूसरे तरफ दानव हैं। उस जमाने में भी हुआ करते थे, आज भी है। राम तो सच पूछिए तो आस्था का मामला है ना, ये तो राम और भक्त के बीच में जो राजनीतिक जो दलाल हैं, राजनीतिक जो बिचौलिए, इनका क्या काम है? तो यहाँ बिचौलिए प्रमुख हो गए हैं, राम नगण्य हो गए हैं, तो इन बिचौलियों को हटा दिए और राम और भक्त का सीधा संबंध है। क्या लगता है भाई साहब आपको, इस समय कहा जा रहा है कि 90 में ये बात हुई थी कि विपक्ष जो है उसमें भारी था, अब 90 से 2024 में ये बात हो रही है कि राम का आशीर्वाद प्राप्त है, विपक्ष कह रहा है कि सियासत हो रही है, आप किस तरीके से देखते हैं? भाई, विपक्ष भी अगर वर्तमान में क्यों नहीं 70 साल से सियासत की राम के ऊपर, वो अपना एक मुस्लिम वोट के लिए सियासत की, वो भी राजनीति कर रही थी मुस्लिम वोट के लिए, इसीलिए वो नहीं जा रहे हैं। राम सबके अगर हैं और उनको निमंत्रण दिया जा रहा है तो वो क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि उनको मुस्लिम वोट कट जाएगा उनका। और मोदी जी तो संत है ना, और एक संत के द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो ये कहीं से कोई
गलत चीज नहीं है। और शंकराचार्य उस समय कहाँ थे जब श्रृंगेरी के शंकराचार्य को सारे पीठों में सबसे बड़ा शंकराचार्य का पीठ है श्रृंगेरी का, उस समय जब गिरफ्तार किया गया तो ये तीनों शंकराचार्य कहाँ सोए हुए थे? उस समय भी तो हिंदू धर्म को बचाने के लिए आना चाहिए था लोगों को ना। और मोदी जी ने तो एक और संदेश दे दिया।